हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 जो था उसको तुम लोग फिर रिसेंट किया दोबारा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस को एक्जेली विथ ए कॉन्वेक्स मिरर, वही क्वेश्चन है। तो फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बेटा देखो, इसमें क्या बड़ा मिस्टेक हुआ रे डायग्राम बनाते वक्त श्रेया को, तो मैंने अभी बता देता हूँ कॉपी चेक करके। श्रेया देखिए, इसमें तुमने जो डायग्राम बना दिया इसके आगे फाइनल इमेज किधर जाएगा, ये तो इधर बनने वाला था लेकिन ये है तो इधर आके बनेगा, दैट यू आर नॉट सीन, इसको तुमने शो ही नहीं किया तो इसीलिए मिस्टेक हो गया। उसके बाद दूसरा जो है ना, फाइनली जब तुम्हारा आंसर आया तुमने लिख दिया ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स, ये जो फाइनल जो आया ना बेटा, ये जो डिस्टेंस आया यू हैव टू मेंशन इट। तो इसमें 50/3 सेंटीमीटर देन राइट ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर दैट यू टू राइट, ओके। दूसरा और जो है अभी बोर्ड में इसने किया था, देखो इसका डायग्राम प्रॉपर है। दूसरी बात है इसने लिख भी दिया इमेज इज 50/3 सेंटीमीटर राइट ऑफ द मिरर एंड 95/3 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस, ओके। जो यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया 50/3 + 15, ओके ये हुआ। उसके बाद खुशबू अभी कौन से वाली सेंड करी, यस खुशबू डायग्राम तो पेंस बेटा डायग्राम प्रॉपरली बनाना है बेटा, ये क्या डायग्राम बन रहे हैं। देखो इसमें इतनी सारी, इतनी ऊपर से जा रहा है, इतना नीचे से जा रहा है ना, ये तो यहाँ से आएगा फिर ऐसा होगा, थोड़ा देखो ये कैसे जा रहा है इतनी सी और इतना ऊपर से जा रहा है, इसे कैसे बन रहा है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये और कहानी बन गई बेटा, यहाँ से देखो ये क्या चक्कर होगी, यहाँ पे एक तो एरो पुट करो बेटा, लेंस तो सही बनाओ, लेंस सही से बनता बेटा, ये जो लेंस की ये जो है ना पूरी, ये जो है ना थिन लेंस होती है ना, ठीक है। इधर थोड़ा सा कैसे बन रहा है, शेप जैसा अच्छा नहीं लग रहा है, पेंसिल से डायग्राम को बनाओ एटलीस्ट एक दो बनाओ, बाकी तो चीज़ सही लिखा, लेकिन ये जो हो गया भी तुम्हारा आ गया 50/3, क्या किलोमीटर आया, मीटर आया, सेंटीमीटर आया, दैट यू हैव टू राइट द सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर आया तो किधर आया, इस तरफ आया, सो यू हैव टू राइट इमेज विल बी फॉर्म्ड 50/3 सेंटीमीटर राइट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और नहीं तो ये भी लिख सकते हो 50 + 3 + 15 और ऐड कर दो तो 95/3 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस, ओके ठीक है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड से ही चेक करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद और तो कोई कुछ सेंड नहीं किया, एक मिनट इसने कुछ सेंड किया, अच्छा ये तुमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सेंड किए हो, अच्छा ठीक है। तो शिवेंदु दैट इज वो वाला क्वेश्चन सेंड किया शिवेंदु, ये देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, अच्छा ठीक है ओके करेक्ट। और कोई सेंड किया शिवेंदु, कौन सा सेंड किया अभी 32 क्या, अच्छा ये वाला भी सेंड कर दिया क्वेश्चन नंबर इसे लास्ट की तरफ। तो 34 वाले क्वेश्चन में इसने लिखता है फ्रॉम एन वन ए डिफरेंट इमेज इज फॉर्म्ड एंड फॉर एन टू एज वेल एज डिफरेंट इमेज इज फॉर्म्ड, हाँ दो दो फोकस हो जाएगा, लिख दो डिफरेंट मटेरियल है तो दो दो फोकस होगी, दो दो फोकस होगा दो दो इमेज बन जाएगी, करेक्ट है। और उसके बाद बोला था, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, हाँ सर बोलिए। किसमें एक्सप्लेन करने, हाँ हाँ उसके एक्सप्लेनेशन मार्किंग स्कीम से भी बता देता हूँ और ऐसी बता देता हूँ, एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में तो पहले पूरा बड़ा स्टोरी लिखा है ना बेटा 34 में, ये लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम, इसको पढ़ते जाएगा तो बच्चे का टाइम उसमें निकल जाएगा।
bounded by two surfaces, at least one of which should be a spherical. Considering image formation by single spherical surface successively at the two surfaces of lens, lens maker's formula is obtained. It is useful to design lenses to desired focal length using surfaces of suitable radii of curvature. This formula helps us obtain relation between UVF of a lens. Lenses form images of objects and they are used in a number of optical devices like microscope, telescope. यहाँ तक तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है, तो स्टोरी लिखा है. क्वेश्चन जो है नंबर वन से शुरू हो रहा है, ठीक है ना बेटा. एंड ए बी स्केप्ड कॉम्पोजिट लेंस, ये ध्यान रखिएगा. कॉम्पोजिट लेंस में ये जितना टाइप का मटेरियल होगा उतना इमेज बनेगा. बिकॉज जब लेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना तो म्यू माइनस वन होता है एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो फोकल लेंथ भी डिफरेंट हो जाएंगे. दो डिफरेंट मटेरियल है तो दो फोकल लेंथ होगी, दो फोकल लेंथ होगा दो फॉर्मूला होगी, दो फॉर्मूला में अलग अलग है तो दो दो इमेज बनेंगे, ये लिख दोगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या पूछा. ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन. इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड विल द इमेज स्टिल, यस इट विल स्टिल रिमेन इन द स्पेस. फिर दोबारा तुमने दिखाई नहीं देगा तो स्पेस में तो होगी, है ना, एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन स्पेस में होगा. फिर तुमने स्क्रीन रख दिया फिर दिखाई देगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड. ये चीज़ें तो दूसरी बात, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. फाइंड द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला से. देखते हैं शिवेंदु ने हर्षेंदु ने सेंड किया. ओके, चेक करता हूँ. उसने लिख दिया. अच्छा ओके, यहाँ तक तो चेक हो गया, तो ये से भी करेक्ट है. उसके बाद ये पहुँच गया 22 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, करेक्ट हुआ. अभी इसका जो मार्किंग स्कीम था उसको भी हम रीड करके बता रहे हैं, और तुम लोग को पूरा पेपर मैंने सेंड कर दिया. अच्छा, खुशबू का कौन सी आया. अच्छा, ये बोला, ठीक है, ओके. थर्टी फोर में जो दिया, देखो आंसर. नो एज देयर आर टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सो द लेंस हैज टू फोकल लेंस एंड दस टू इमेजेस आर फॉर्म्ड. सेकेंड पार्ट में दिया, येस द रियल इमेज इज स्टिल फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट इन द स्पेस. और जो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर. ओके, दैट मीन्स इवेंदु करेक्ट हो गया. बाकी और कोई सेंड नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में सेंड.